मध्य प्रदेश के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर की टीम ने 40 साल की महिला के पेट से 1 किलो 600 ग्राम का ट्यूमर निकाला है। इंडेक्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि महिला के पेट में ट्यूमर था, सर्जरी सफल रही है और अब मरीज स्वस्थ है। सफल सर्जरी करने वाली टीम में डॉक्टर नाजिया नूर, डॉक्टर संजय पाटीदार और डॉक्टर नीलम बागवाले शामिल थे। उन्होंने बताया कि ट्यूमर का साइज इतना फैल गया था कि बाकी ऑर्गन पर प्रेशर बढ़ रहा था। हमने तुरंत सर्जरी की प्लानिंग की। और मेरी कलीग डॉक्टर नीलम बागवाले, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गायनी डिपार्टमेंट, कल हम लोगों के द्वारा एक बहुत जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक परफॉर्म किया गया है, जिसमें कि एक 40 वर्षीय महिला जिसको कि गर्भाशय के पीछे एक 16 सेंटीमीटर की गांठ, जिसको कि हम ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं, थी, जिसमें कि मूलाशय और पेशाब की नली गांठ के साथ चिपकी हुई थी। इस गांठ को हमारी इंडेक्स हॉस्पिटल की टीम, जिसमें कि मैं, डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर नीलम और डॉक्टर संजय पाटीदार सर, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी इंडेक्स हॉस्पिटल के द्वारा सफलतापूर्वक निकाला गया। इस सर्जरी के करने से पहले हमने पेशेंट का डीजे स्टेंटिंग भी कराया और आसपास के इंपॉर्टेंट अंग जो कि है पेशाब की नली, ब्लैडर और आईएफ वेसल्स को बचाते हुए 1.6 किलोग्राम की गांठ सफलतापूर्वक निकाली गई। मैं हमारे इंडेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन मिस्टर सुरेश सिंह भदौरिया जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ऐसी सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराई, जिसके कारण हम इतनी जटिल सर्जरी इंडेक्स हॉस्पिटल में करने के लिए सक्षम हुए। और सर ने हमें लगातार प्रेरित किया कि हम अच्छा से अच्छा काम इंडेक्स हॉस्पिटल में करते रहें। पेशेंट अभी हमारी आईसीयू में है और पूरी तरीके से स्वस्थ है।